ट्रॉफी होती है, कैसा फील हुआ? आज तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि हमेशा जब हम किसी इवेंट में जाते हैं और आप हमारे फोटोग्राफ्स निकालते हो, बहुत बार हम आपको ठीक तरह से देख नहीं पाते हैं, बहुत बार। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, और आज इस अवसर पे आप सबको मैं देख पा रही हूँ, मिल पा रही हूँ, ये इससे बड़ी खुशी मुझे हो नहीं सकती, क्योंकि आपके वजह से ही हम लोगों तक, ऑडियंस तक पहुँच, और आपके वजह से ही जो भी पहुँच पाते हैं, आपके वजह से पहुँच पाते हैं। और आज इस अवसर पे मुझे यहाँ पे आपके इतने इम्पोर्टेंट एसोसिएशन के इतने इम्पोर्टेंट दिन पर मुझे यहाँ पे बुला के सम्मानित किया गया है, इसके वजह से मैं बहुत बहुत सबकी आभारी हूँ। मुंडे साहब आपकी भी बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे बारे में सोचा। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत बार आप सब बिजी रहते हैं, हम ज्यादा टाइम वहां रुक नहीं पाते हैं, हम निकल जाते हैं आगे इवेंट में, लेकिन दिल से, बहुत दिल से आई एम सो सो वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू, जो इतने काफी टाइम आप वहाँ पे खड़े होके हमारे फोटोग्राफ्स भी निकालते हैं, और थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल दिन में मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू डू फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल है, हाँ जी, फोटो भी गिराते हैं लेकिन काफी लोग उनको धक्का मारते हैं, जैसे आपकी भी फोटो गिराना धक्का मारते हैं, उनको पेशेंस करते हैं, तो इसके लिए नहीं, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि सीरियसली इट इज, आई डोंट नो किस मूड में है आर्टिस्ट या फिर क्या है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आई कंप्लीटली कंडेम दिस, क्योंकि एक जो उनको ये भी समझना चाहिए कि उनके वजह से ही हम लोगों तक पहुंच पाते हैं, तो आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दिस ऑल द फोटोग्राफर्स हु प्ले सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर करियर्स, and I completely respect you guys, and I, that's the reason I'm here, I love you guys, and I completely condemn the way they get treated at times, definitely. मैम जैसा रेड कार्पेट होता है, रेड कार्पेट हम लोग बाहर खड़े रहते हैं जी, ओनली फॉर बाहर खड़े रहते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं चले जाते हैं, सेलिब्रिटी अंदर एंजॉय भी करते सब करते, लेकिन बाहर कैमरामैन को पूछने के लिए कोई नहीं रहता, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? ये बहुत गलत बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी जो भी आते हैं इवेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं उस इवेंट में, तो इसका सब लोगों ने दे नीड टू रियलाइज दैट, एंड जितने भी एटलीस्ट जब मैं कोई भी पार्टी देती हूँ तो मैं ज़्यादातर के सारे जितने फोटोग्राफर्स रहते हैं उनके एंटरटेनमेंट में ज़्यादा खुद ही बिजी हो जाती हूँ। पिछले बर्थडे पे भी काफ़ी लोग आए थे और वहाँ पे मैं अपने बर्थडे को छोड़ के मुझे ऐसा लग रहा था नहीं नहीं मैं सारे मेरे जो फोटोग्राफर दोस्त से मैं मिलूँ और टाइम दूँ, एंड मैंने जो दिस इज माई स्टेप टूवर्ड्स यू गाइज, एंड मुझे पता नहीं कि बाहर आई अंडरस्टैंड बहुत बार ये नहीं किया जाता है, तो आई फील आई एम रियली सॉरी ऑन दैट बिहाफ, बट इट इज़ वेरी रॉन्ग डेफिनेटली। आपके लिए तो स्पेशल पार्टी रखनी चाहिए, क्या कहते हैं? जो होता है बढ़ता है, हिम्मत आ जाती है, अच्छा लगता है, कोई भी काम हम करें उसका अप्रिसिएशन अगर मिल जाए। जी हाँ, अच्छा बात करें वो फोटोग्राफर दुनिया मुड़े मेहनत तो दोनों सेम की है, आज सम्मानित किया फोटोग्राफर को, आपको नहीं लगता है ऐसा एक इवेंट होना चाहिए जिसमें फोटोग्राफर को भी जो रात रात मेहनत करते हैं उसको भी मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स ऑडियोग्राफर को तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ऑडियो अगर अच्छा नहीं आएगा तो हम तो एज ए सिंगर, तो मुझे तो लगता है ऑडियोग्राफर को जरूर मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों की मेहनत सेम होती है, जो वो मेहनत करते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं? देखिए मेहनत तो दोनों जगह में होता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि एज ए सिंगर मैं फील करती हूँ कि ऑडियोग्राफर को ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ऑडियो अगर अच्छा नहीं आएगा तो गाना आप कैसे सुनेंगे? जो मैं कह रही हूँ ये भी तो ऑडियो होगी। सो चलिए मुंडे जी ने अच्छा प्रोग्राम अनाउंस किया, क्या बोलना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ मुंडे जी को, उनका जो इनिशिएशन है बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड ऐसे आगे बढ़ते रहे। और फोटोग्राफी का जो ये जो अवार्ड हो रहा है, ये सारे एसोसिएशन को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इसके बिना कोई चीज़ दिखाई नहीं जा सकती। फिल्म जो है बिना हर किसी चीज़ के बन सकती है, लेकिन कैमरा ही नहीं रहेगा
तो कैसे बनेगी। तो कैमरा जो है हमारा हर दृश्य को दिखाने का वर्ल्ड का सबसे पहला माध्यम है, यानी नंबर वन पर एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर नंबर वन पर कोई चीज़ है तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी स्टिल फोटोग्राफी यही है नंबर वन पे। सुनील जी अगर बात करें तो हमेशा मान सम्मान एक सैटेलाइट चैनल को दिया जाता है जो कि माना जाता है हमारे देश में कि नंबर वन चैनल है, लेकिन आज की तारीख में जो यूट्यूब चैनल है जो चल रहे जो लोगों को फेमस करते हैं, आपको नहीं लगता कि ये भी मार खाते हैं फील्ड में और इनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए? बिल्कुल, यूट्यूब का तो बहुत क्रेज हो रहा है, मेरा खुद का मैंने चैनल बना लिया है सुनील पाल की चौपाल यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मुझे लगता है कि आज के समय की ज़रूरत है। और अच्छा ये YouTube वाले अभी किसी के मैं कह सकता कि मोहताज नहीं रहे, उनकी अपनी दुनिया है, उन्होंने बहुत अच्छे अपने सब्सक्राइबर बना लिए। अब तो आप देखो कि टीवी के चैनल वालों के बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, टीवी पे अभी लोग जाते नहीं है, न्यूज़ चैनल को सब YouTube पर अवेलेबल हो गया है। तो मुझे लगता है कि YouTube को जो सम्मान मिलना चाहिए ऑलरेडी मिल रहा है। सर मेरा आखिरी सवाल है, आज का जो अवार्ड शो था हमारे मुंडे जी थे, तो क्या कुछ कहना है मुंडे जी के लिए? बहुत बढ़िया, क्योंकि एक आदमी की हिम्मत है, वो अपने एसोसिएशन के लिए ऐसा सोच रहा है और अपने रिलेशन पर आप सबको जो उनके परिवार का हिस्सा है उनको बुलाया और इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों को बुलाया जो बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसको एक अच्छी पहल मैं समझता हूँ। मुंडे जी को मुबारकबाद और एसोसिएशन को मुबारकबाद, ऐसे ही आगे काम करते रहिए तो मुझे लगता है कि ये जो एसोसिएशन है ये और फले फूलेगी, कि जो कि मेरे नंबर में नंबर वन है, मेरी नज़र में नंबर वन है, इसको सम्मान सबसे ऊपर मिलना चाहिए, एक्टर से भी ऊपर का सम्मान जो है, डायरेक्टर से भी, मतलब मैंने कहा ना कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नंबर वन पे पहले वीडियोग्राफी स्टिल ऑडियो देन एवरीथिंग। जी कहीं जा रहा हूँ हर जगह प्रमोशन करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मार्च तक इसका मार्च एंड तक इसको रिलीज करूँगा और फरवरी में इसका प्रोमो मैं आपको भगवान ने चाहा जरूर दिखाऊंगा। पहले तो मैं सबसे पहले खुश हूँ कि आज पहली बार आप सब लोगों का एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, पहले भी हुआ होगा लेकिन हमारे लिए पहली बार है, और स्पेशली एक्चुअली मुझे आज आउटडोर जाना था लेकिन आप लोग हमेशा हमें कवर करते, इतना प्यार करते हैं, तो स्पेशली मुंडे जी ने एक महीने पहले डेट ब्लॉक कर ली थी कि प्लीज़ आप लोग रहना, तो हमें ये था कि अगर शूट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम ज़रूरी जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोग जो इतना सम्मान और प्यार दे रहे हैं तो हम भी चाहेंगे हम आपको डबल प्यार और सम्मान दें। सो अगर बात करें रियल लाइफ की, आपकी अगर बात करें रियल लाइफ की, तो ऑडियोग्राफर और वीडियोग्राफर में कितना फर्क होता है, कितना एक हमारे लिए एंजॉयमेंट रहता है, ये दोनों चीज़ हमको कवर करती है? ओके, अभी मैं डिफरेंस तो नहीं बता सकती हूँ ऑडियो और वीडियोग्राफर में, लेकिन हाँ वीडियोग्राफर से हमें एक खूबसूरत दिखाया जाता है, मतलब मुझे लगता है कि जो वीडियोग्राफर की नज़र होती है स्टिल को और सुंदर बनाता है। हाँ जी, इसका मतलब कि वो मुझे लगता है कि कवर नहीं कर रहा, वो आपका लवर है। शेयर करती हूँ कि कब मुझे सीरियल में इनके साथ में काम करने को मिलेगा, एक इतने बड़े और अच्छे एक्टर के साथ में। तो अच्छा सर, आपने तो आज पहली बात तो ये कि मैं 50 किलोमीटर से आ रहा हूँ नए गाँव से, शूटिंग खत्म करके सीधे यहाँ पे आ रहा हूँ, कहीं रुका नहीं पहली बात। और वो क्यों आया हूँ, क्योंकि अब हमारे भाई हैं, हमारे टीवी एंड सिने स्टिल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के सब भाई हैं, इतने सालों का संबंध है, तो सम्मानित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देने आया हूँ, और बड़ा अच्छा लग रहा है, और अंदर जाऊँगा तो और अच्छा लगेगा। चलिए सर, कल 26 जनवरी है, आप आए मैंने आपसे सवाल, कल 26 जनवरी है, मैं चाहता हूँ कि पूरे देशवासी को एक 26 जनवरी की विशेष दिया जाए और आपके मुझे थोड़े थोड़े लफ्ज जो हमारे देश के लिए गाना बनता है। सर देखिए, ऐसा है कि मेरा भारत महान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मित्रों दोस्तों, कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू वेरी मच। मैं सभी को शुभकामनाएं देने जाऊंगी, मेरा भारत महान, जय हिंद जय भारत।
नमस्कार मित्रों, 26 जनवरी की यानी गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस चिराई हो, हमारी आज़ादी, हमारा संविधान हमेशा हमारे साथ रहे और हम संविधान का हमेशा सम्मान करते रहे। लव यू ऑल इंडियंस, आई लव माय इंडिया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, रमाकांत मुंडे जी मुझे पिछले एक हफ्ते से बता रहे हैं कि मैंने ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज किया है, और प्रेस और फोटोग्राफर्स आप सभी लोगों ने मुझे बचपन से बहुत प्यार दिया है। मतलब कुछ कुछ यहाँ पर नए नए फेसेस हैं, मैं जब बच्ची थी तब से कुछ पुराने फेसेस अंदर होंगे जो मुझे हमेशा कवर करते आ रहे हैं, पिक्चर्स लेते आ रहे हैं। बहुत सारे वेटरन फोटोग्राफर्स हैं, उनकी अपनी जर्नी रही है, कुछ कुछ डायरेक्टर्स बन गए, प्रोड्यूसर बन गए, अपनी लाइफ में अपना अपना चैनल खोल के बैठ गए। सो आई एम वेरी ग्लैड, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। फैंस तो करते ही हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो भी करते ही हैं, बीच में हम लोग गैप लेते हैं, आते हैं जाते हैं, काम नहीं करते हैं, पर फिर भी रमाकांत जी ने मुझे इतना, मतलब इतनी इज्जत अफजाई की है। मुझे बोल रहे आपको ये ट्रॉफी मिलेगी, आपको ये ट्रॉफी मिलेगी, आप आइए, रोज़ व्हाट्सअप कर रहे हैं। बोले रमाकांत जी मुझे आपको ट्रॉफी देनी है। बोले नहीं नहीं आपको हमें देनी है। बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि सिने फोटोग्राफर फर्टिनिटी ऐसा कुछ इनिशिएटिव ले रही है। आई एम ऑलवेज देयर विथ यू ऑल एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू। अभी हम बोलेंगे आरती नाग। मेरे भारत देश को और दूर दूर पूरी दुनिया में रहने वाले सारे भारतीयों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस कहते हैं इसे। आरती नागपाल आप सभी को नमस्कार करती है, देश को वंदन करती है। हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं, अभी राम जी की भी इमारत बनने वाली है। तो सब मेरे साथ एक साथ बोलो जय हिंद, जय हिंद। स्मिता गोल्डकर आप सबको रिपब्लिक डे के बहुत 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 शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।